दिल्ली में शुरू हुए 3 दिवसीय G20 शिखर वार्ता सम्मेलन के लिए दिल्ली से सटा नोएडा भी सज सवर कर तैयार है। बताया जा रहा है कि कुछ विदेशी डेलीगेशन को ग्रेटर नोएडा के जेपी रिजॉर्ट में रुकने की व्यवस्था की गई है। राजधानी दिल्ली से जेपी रिजॉर्ट तक 33 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग को साफ सुथरा कर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। यातायात एडवाइजरी भी जारी की गई है। दिल्ली में जाने वाले भारी, मध्यम व हल्के मालवाहक वाहनों का प्रवेश आज शाम 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। विदेशी मेहमान जब नोएडा में प्रवेश करेंगे तो उनका स्वागत नोएडा का प्रवेश द्वार होगा। इसके लिए दिल्ली से जेपी रिजॉर्ट तक 33 किलोमीटर मार्ग को साफ सुथरा कर लाइट और पेड़ पौधे लगाकर एक्सप्रेसवे को बेहद खूबसूरत बनाया गया है। कुछ विदेशी डेलीगेशन जो ग्रेटर नोएडा के परी चौक स्थित जेपी रिजॉर्ट में रुकेंगे वे इसी मार्ग से होकर जाएंगे। दिल्ली के मुकाबले नोएडा कहीं फीका ना पड़ जाए, इसलिए नोएडा को खूबसूरत बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से गौतम बुद्ध नगर के बॉर्डर से दिल्ली में जाने वाले भारी, मध्यम, हल्के मालवाहक वाहन का प्रवेश आज शाम 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। बॉर्डर पर निरंतर चेकिंग की जा रही है। वहीं आम लोगों को निजी वाहनों का कम प्रयोग कर मेट्रो का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। DCP ट्रैफिक अनिल यादव का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर की सीमा दिल्ली को जोड़ने वाले चिल्ला रेगुलेटर, DND, कालिंदी, कुंज, न्यू अशोकनगर, कुंडली, झंडपुरा पर भारी और मध्यम वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहां से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को होकर लोग अपने गंतव्य स्थान पर जा सकेंगे। यातायात असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।